थोड़ा सा ये मुश्किल हो रहा है, जैसे मतलब है दिल्ली में फैक्ट्री वगैरह कारखाना वगैरह ज़्यादा है और मेवात में वो नहीं है। जैसे हमारे से ज़्यादा मेवाती जो है वो भी मुश्किल में है। तुम्हारा आदमी काम पे जाएगा, बता के जाएगा और आए और कितने बजे निकल गया और कितने बजे वापस आया, वो डिटेल तुम्हारे पास एक डायरी दे देंगे सरकारी तरफ से, एक पेन एक डायरी उसमें लिख के रख दियो। मैंने बोला ठीक है सर, अब तो सरकार है जो बताएगा वो तो हमारे को करने की ज़रूरत है। यहाँ पे तीन स्कूल है मेवात में, 200 सरकारी एक प्राइवेट है। प्राइवेट में तो अच्छे से पढ़ाई चल रहा है, 2 सरकारी जो है उसमें से एक सरकारी में ऐसा हो रहा है जैसा हमारे रोहिंग्या के बच्चा जो जाता है वो एक कमरा में बंद करके रख देता, फिर मास्टर आएगा तो पढ़ा लेता, नहीं आएगा तो बच्चे सुबह शाम आना जाना होता, ना कुछ पढ़ाई होता ना कुछ लिखाई होता। अगर बाप ने भी पढ़ाई नहीं है, बच्चा भी नहीं पढ़ेगा तो फिर इनका क्या सुधरेगा, उनको पता भी नहीं चलेगा हमारा गांव कहाँ है, मेरे बाप कहाँ है, मेरे पिताजी कहाँ, माँ कहाँ है, कुछ पता भी नहीं चलेगा। हमारे ज़्यादातर जितने रोहिंग्या है सबका सोच ये है, जैसे हमारे तो कम से कम जिंदगी तो बर्बाद हो गया तो गया, आने वाला जो नस्ल आ रहा है उनको क्या सुधारूँ, कैसे पढ़ाऊँ, कैसे जिंदगी बढ़िया करूँ। तो लॉन्ग टाइम वीजा 2016 में एक बार अलाउट हो गया था, फिर दूसरा 25 आदमी को लॉन्ग टाइम वीजा भरने के बाद फोटो वगैरह लगाने के बाद SP ऑफिस में जाने के लिए कहा था, फिर जाके बता रहे थे भाई तुम्हारे लिए लॉन्ग टाइम वीजा हरियाणा के लिए अलाउट नहीं है, ऐसे कह के जो फॉर्म जहाँ भरे थे वहाँ बंद कर दिए। फिर हम लोगों ने आवाज़ उठाई भाई दिल्ली में तो हैदराबाद में तो मिल रहा है, मेवात में क्यों नहीं है। भाई वो दिल्ली दिल्ली है, वो हैदराबाद हैदराबाद है, मेवात मेवात है। आज क्या हो रहा, कहाँ देश और कहाँ हिंदुस्तान, यहाँ पे भी कहाँ सहूलत है, कुछ करेंगे तो भाई ये तुम करना नहीं पाओगे, वो और कुछ करेंगे ए तुम्हारे लिए ये अलाउड नहीं है, फिर हम कहाँ जाएंगे। ये भी हिंदुस्तान से बोल रहे भाई, हिंदुस्तान से बनने वाला सहूलत कहाँ जाएंगे।